हेलो फ्रेंड, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल, आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो बिजनेस एथिक्स है, और जिसके अंदर हम कोड ऑफ एथिक्स का सेकेंड पार्ट जो है, डेट इज द कंक्लूडिंग पार्ट, उसको हम करेंगे। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने अपनी जो ऐप है उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, एडिसम ऐप के अंदर जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दिए हैं। उसका लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिजनेस एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है कि बिजनेस जो है एथिकल मैनर के अंदर कंडक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं दे शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, तो उसके लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है डिवेल्प करते हैं। Organization develop code of conduct and business ethics and provide the members of organization standard and expectation. क्योंकि code of conduct से हमें पता चलता है कि ये हमने ethical practices, ethical principles जो है follow करने हैं, ये organization आपसे expect करती है ताकि वो सही choice जो है कर सके। The code of conduct and business ethic provide the ethical guidelines and expectation for conducting business on behalf of the company. जब ऑर्गेनाइजेशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रिपेयर करती है तो उससे क्या होता है कि एथिकल गाइडलाइंस होती हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, जब उन्होंने डीलिंग्स करनी है, बिजनेस करनी है, तो इन एथिकल गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और जब कंपनी के बिहाफ पे दूसरे लोगों के साथ बिजनेस करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ पे आपने एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। ये नहीं है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उससे रिश्वत ले रहे हो, तो वहाँ पे जो एथिक्स प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। जो किसी को टेंडर देना है तो वो डेफिनेटली मेरिट बेसिस पे देना है। तो यहाँ पे ये जो कोड है सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे टॉप मैनेजमेंट के अंदर है, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट के अंदर है, चाहे वो लोअर लेवल पे है, डायरेक्टर्स, कंपनी ऑफिसर, एम्प्लॉयज, वेंडर। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं और तो दूसरे के क्लीग्स होते हैं, तो दूसरे क्लीग के साथ भी आपने फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ डील करना है, उसको ह्यूमिलेट नहीं करना, हरास नहीं करना। हर बंदे को जो है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना रेशियल हरासमेंट, ना जेंडर के बेसिस पे, ना सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह की कोई भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है मतलब तो उसको डराएगा नहीं, थ्रेट नहीं करेगा, इस तरह का जो है वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं कि किस तरह का जब हम बिजनेस को रन करते हैं तो उसके अंदर जो मॉडल कोड है वो कहता है कि ये जैसे एनवायरनमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप है, इक्वालिटी है, तो हमें इस तरह की एथिकल प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज हैव द राइट टू वर्क इन ए सेफ एनवायरनमेंट। देखो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर वहाँ पे सेफ्टी ही नहीं है तो मैनेजमेंट ऑफ जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो मतलब जो भी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दे शुड बी सेफ। और जहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करते हैं, अगर वहाँ पे डेंजरस मशीनें यूज होती हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है सेफ्टी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन जो है जितने भी हेल्थ और सेफ्टी लॉज उन पे एप्लीकेबल हैं उनको वो कंप्लायंस करें, उसके मुताबिक जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए प्रॉपर जो है स्टेप्स होने चाहिए, और वहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है प्रॉपर रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और उसके लिए पूरे मतलब कि हमने जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं प्रॉपर वहाँ पे प्रोविज़न होनी चाहिए, और जो भी सेफ्टी रिलेटेड स्टैचुटरी ऑब्लिगेशंस हैं, लॉज हैं, वो पूरे के पूरे जो है एम्प्लॉय की जो है कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वहाँ पे कोई दुर्घटना घट जाए। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड लीगल ग्रुप्स होते हैं जिसके द्वारा वो देखते हैं कि किस तरह से वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, इंटरनल चेक्स होने चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो सके, और प्रॉपर जो है जो शेयर होल्डर्स को जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो प्रॉपर डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो कोड जो है स्टेट्स द कमिटमेंट टू कंप्लायंस विच प्रमोट्स इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे जो है कि कोड जो है हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड करता है
जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमने जो भी लॉज हम पे एप्लीकेबल है उनको हमने फॉलो करना है। बुक्स, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जिनके अंदर सफिशियंट डिस्क्लोजर एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, जो भी वेरियस लॉज एप्लीकेबल हैं वो फॉलो होने चाहिए, और जो इंटरनल सिस्टम ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल भी वहाँ पे होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मस्ट कंटेन फुल, फेयर, एक्यूरेट, टाइमली, अंडरस्टैंडेबल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उसके अंदर पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए जो लॉ के मुताबिक होना चाहिए, वो राइट टाइम पे पब्लिश होनी चाहिए, बननी चाहिए, एक्यूरेट और फुली इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि सब ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंप्लायंस विद कोड एज ए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे होता है कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। कोड जो है समय समय पे रिवाइज होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, अगर हमें लगता है कि वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, जो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा या फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी ऐसा चीटिंग कर रहा है, तो वहां पे इस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। मेंबर्स हैव द ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चन एंड द ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट पॉसिबल कंप्लायंस एथिकल लीगल वायलेशन। जो मेंबर्स हैं उनके पास फ्रीडम है, वो कोई भी जो है कि क्वेश्चन अगर उनको लगता है कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस हैं या डिलेमा है तो वो अपना क्वेरी जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई लगता है कि यहाँ पे जो कंप्लायंस भी कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा, कोई लीगली जो है उसकी वायोलेशन हो रही है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम भी जो है इंकरेज करना चाहिए। और उसी तरह अगर कोई मैटर ऐसा है जो सीरियस, मतलब जहाँ पे लगता है कि जो कंप्लायंस एथिकल लीगल प्रैक्टिसेस है उनकी फॉलो नहीं हुई, तो वो इमिजिएटली सुपरवाइजर को जो है रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि जो हम कोड ऑफ कंडक्ट जो बिजनेस बनाता है वो एथिकल प्रैक्टिसेस को जब फॉलो करना है तो इम्प्लॉय की उनको फॉलो करने के लिए क्या जिम्मेवारी है, कंपनी के एसेट के प्रति, रेगुलेटर के प्रति, गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रति, पब्लिक के प्रति। तो पहले हम देखते हैं कि जो इम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी होती है। देखो इम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो दे शुड एक्ट एज ए प्रोफेशनल, दे शुड ऑनेस्ट एंड दे शुड एक्ट इन एथिकल मैनर्स। उनको पता होना चाहिए कि हम पे ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है एप्लीकेबल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस लॉज पॉलिसीज एप्लीकेबल है दे शुड बी अवेयर। और उसी तरह क्या है कि उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए जिसके अंदर उनको बताया जाए कि किस तरह से आपने इस जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं इनको फॉलो करना। एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे शुड एक्ट ऑलवेज एक्ट इन प्रोफेशनल, ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनर। दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ कोड, व्हाट आर द लॉज विच आर एप्लीकेबल। और उसी तरह उनको मतलब ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए किस तरह से आपने एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, किस तरह से अपने लॉ को जो है मुताबिक काम करना है। और उसी तरह ही अगर लगता है कि पॉसिबल वायोलेशन है तो उसकी क्विक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्विक तो एक्शन होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है या ऑडिट होता है तो जो इम्प्लॉयज़ हैं वो कॉपरेट करें और सच बताएं, और उसी तरह प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है वो प्रॉपर उसको मेंटेन करें। कंपनी की एसेट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। जब हम कंपनी के एसेट की बात करते हैं तो फिजिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, इवन जो सेलफोन्स होते हैं, लैंडलाइंस होते हैं, जो पर्सनल डिवाइसेस हैं, फैक्सेस हैं, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा इन्वेंट्री सप्लाई सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही प्रॉपर, सारे रिसोर्सेज की प्रॉपर जो है रिकॉर्ड होना चाहिए और इनकी यूटिलाइजेशन भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर्स। जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मतलब कोई जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जिसकी ड्यूटी लगी होनी चाहिए कि जो भी हमारे ऊपर लॉज एप्लीकेबल है दे शुड बी फुली कंप्लाइंट। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लाइंस डिपार्टमेंट या लीगल डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब भी कोई अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी है, अगर कोई जो है बिजनेस ऑपरेशन के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन चाहती है या देखना चाहती है कि ये लॉ जो है कंप्लाई किया है या नहीं किया है, तो प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन जो है उन अथॉरिटीज को देनी है।
Whenever there is an external investigation or lawsuit, the company will take the prompt action to preserve the document that may be relevant. जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है या केस होता है तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है सेफ हैंड्स के अंदर जो है संभाल के रखना है. उसी तरह क्या होता है कि जहाँ पे भी लगता है कि अगर एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर कोई समझ नहीं आ रहा तो लीगल डिपार्टमेंट से उसको कंसल्ट करके मतलब राय लेके काम करना चाहिए. और उसी तरह क्या है कि अगर कोई इंक्वायरी लगती है तो उसकी प्रॉपर जो है रिपोर्ट वगैरह जो है होनी चाहिए. मतलब वो उस कोई भी इंक्वायरी जो है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए. लीडरशिप, यहाँ पे देखो जो लीडर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से काम लेते हैं दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल. अगर लीडर जो है हमारे सही ढंग से काम नहीं करते तो वो लोगों को क्या मोटिवेशन देंगे. तो लीडर जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जाम्पलीफाई द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिजनेस कंडक्ट. ये जो लीडर्स हैं उन्होंने जब उनके जो व्यवहार है जो ऑपरेशंस हैं उनके जो काम है उनके अंदर उन्होंने एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इसको फॉलो करें. और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे लोग जो लीडर हैं वो दूसरों को एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए मोटिवेट करते हैं एज ए सोर्स जो है, दूसरों को समझाते हैं. एम्प्लॉयज जो हैं और जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको वो एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओपन पॉजिटिव कम्युनिकेशन सिस्टम जो है डेवलप करते हैं. जो भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें लगता है कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें एथिक्स फॉलो करनी चाहिए या एथिकल डिलेमास होते हैं या एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है. एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या है कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो लॉज हम पे एप्लीकेबल हैं उसके मुताबिक हमें काम करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कई बार देखो वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता. जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी स्टेट से है, किसी का कोई कलर है, किसी का कोई कास्ट है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई विलेज बैकग्राउंड से आया है, कोई सिटी बैकग्राउंड से आया है, कोई जेंडर डाइवर्सिटी है तो या ग्लोबल डाइवर्सिटी है. तो वहाँ पे अगर डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है तो एम्प्लॉय जो होते हैं जो है उनके साथ कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आपकी कास्ट ये है तो मैंने आप मतलब मेरी डीलिंग आपके साथ डिफरेंट होगी. एम्प्लॉयज वर्क बेस्ट इन द एटमोसफेयर ऑफ फेयरनेस, कॉपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी. देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहीं पे काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एक इस तरह का एटमोसफेयर जो है डिवेल्प करना जहाँ पे हम लोगों को रिस्पेक्ट के साथ जो है उनकी डिग्निटी को मेनटेन करते हैं. इसी तरह जो डाइवर्स वर्क फोर्स होती है तो वहाँ पर किस तरह से हमने जो लोग हैं उनको रिटेन करके रखना है, किस तरह से डिसिप्लिन रखना है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है. जो डाइवर्सिटी है डैट इज़ ए की एसेट क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है. तो वहाँ पे हमने डाइवर्सिटी को किस तरह से बैलेंस करके चलाना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड हेरासमेंट. तो यहाँ पे देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बेसिकली जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट नहीं होना चाहिए. जो हरासमेंट का मतलब होता है कि जैसे हम कहें कि मेल है तो हमने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह देंगे, फीमेल्स को कम देंगे, या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना या फीमेल्स को सेक्चुअली हरास करना. तो यहाँ पे क्या है कि जो डिसीजन जो काम असाइन किया जाता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एबिलिटी एंड पोटेंशियल. ये नहीं है कि तू मेरे शहर का है तो मैं तुझे ज़्यादा काम दूंगा. तो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पे लोग जो है दूसरे को बेसिकली जो है किसी भी तरह का जो वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल अब्यूज या हम कह दें कि हमने तो तेरे साथ जाना ही नहीं है, तू सेपरेट ही रह, कोई उसके साथ बात नहीं करेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि बेसिकली प्रोफेशनलिज्म जो है होना चाहिए. तो यहाँ पे किसी भी तरह की किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. तो सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि हरासमेंट जो है ये अनवेलकम है, ऑफेंसिव है. इसके अंदर होता है कि जैसे हम किसी को कोई ऑब्जेक्शनेबल एक्ट है, किसी को कमेंट करते हैं डिग्रेड करने के लिए,
या किसी को एम्बेरस करने के लिए या ह्यूमिलेशन करने के लिए, तो ऐसी जो चीजें हैं वो वहां पे अवॉइड होनी चाहिए।